हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। ये केक बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लिया है। इसमें डालेंगे हम 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ मेरे पास है पिसी हुई चीनी, ये 1 कप चीनी है, इसे भी डालेंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिए हैं। अगर आपके पास कप ना हो तो आप इस तरह कोई भी कटोरी ले लें, उसके साथ आप नाप के इस्तेमाल कर लें। इनको अब हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है कुकिंग ऑयल, 1/4 कप कुकिंग ऑयल है। ये हमारे पास है वनीला एसेंस, इसके भी चंद कतरे डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 ग्लास दूध, इसे अब हम मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम थोड़ा थोड़ा इन्हें मिक्स करते जाएंगे। ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं जिससे हम केक बना रहे हैं, बस इसका हम एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। देखें यहाँ पे बैटर हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसको हम बराबर 2 हिस्सों में डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास है कोको पाउडर, ये 4 टीस्पून है, इसे अब हम इसमें मिक्स करेंगे। कोको पाउडर डालने से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। देखें ये बैटर भी हमारा रेडी है। देखें यहाँ पे मैंने मोल्ड को पहले से ही ऑयल लगा के इसमें बटर पेपर लगा दिया है, इसे हमने तैयार ही रखना है पहले से। अब इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर का जो हमने बैटर तैयार किया, ये वाला डालेंगे। एक एक चम्मच हम डालते जाएंगे। यहाँ पे हमारी लाइट चली गई है तो मैं मोबाइल की लाइट ऑन करके ही बना रही हूँ। अब इस पे ये वाला बैटर डालेंगे हम। अब फिर हम ये वाला इसके ऊपर डालेंगे। एक एक चम्मच हम डालते जाएंगे और इसे हमने हिलाना नहीं है, ये खुद ब खुद फैलता जाएगा। बस इसी तरह से हमने सारा बैटर डालते जाना है एक एक चम्मच करके। यहाँ पे मैंने सारा बैटर डाल लिया है केक का। अब इसे थोड़ा सा हम टैप करेंगे। आप स्टिक की मदद से इसे थोड़ा सा हम घुमा देंगे।
सारे तरफ इसी तरह से हम फैला देंगे इसे। और हर बार आपने टूथपिक जो है वो नीट कर लेनी है। दरमियान से हम इसे थोड़ा सा घुमा देंगे। देखें जी, अब इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म ही है। अब हम इसमें केक रखेंगे। अब 40 से 50 मिनट तक इसे हम इसी तरह से रखेंगे कवर करके। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी आप पहले से गर्म कर लें। देखिए यहाँ पे केक को रखे हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, केक हमारा बेक हो चुका है। अब इसे निकाल के हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें यहाँ पे केक को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो आप इसे 1 घंटे तक रखें ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट ही रखा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और आपको कट करके दिखाती हूँ इसे। इसके नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी निकाल लेंगे। देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक हमारा बन गया है। देखें, अब इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखें जी, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।